बच्चों, आज हम सीखेंगे काल और उसके भेद। क्या तुम जानते हो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी घटना के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। साधारण भाषा में काल का अर्थ है समय। हर घटना किसी ना किसी समय घटित होती है, उस समय को काल कहते हैं। चलो अब इसके भेदों के बारे में जानें। काल के तीन भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल, बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि घटना बीते समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था, वह पत्र लिख रहा था, बच्चा चला गया। था, थे, थी, आ, ए, ई भूतकाल के सूचक चिन्ह है। वर्तमान काल, चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि घटना अभी हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, वह जा रही है। हैं, हूँ वर्तमान काल के सूचक चिन्ह हैं। भविष्यकाल, आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि घटना आने वाले समय में होने वाली है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं यह काम कल करूंगा, तुम कल जाओगे, वह दिल्ली जाएगा। उंगा, एगा, ओगे, एंगे भविष्यकाल के सूचक चिन्ह हैं। बच्चों, जैसे आपने काल को अच्छी तरह समझा, वैसे ही और विषयों को अच्छी तरह समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।